प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल त्रेहा के नेतृत्व में शिवसैनिकों द्वारा जिला मुख्यालय मुरादाबाद पर नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुरादाबाद मेयर का पुतला फूका और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। आपको बताते चलें कि शिवसेना के मंडल प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल त्रेहा के नेतृत्व में शिवसैनिकों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए नगर निगम मेयर पर आरोप लगाया कि नगर निगम में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार के चलते शहर में जगह जगह सड़कों में गड्ढे होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिस सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे ना हों। मुरादाबाद की सभी सड़कों को धूल मिट्टी पानी एवं गड्ढा मुक्त करने के साथ साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर तत्काल कार्यवाही करने की शिवसेना द्वारा मांग की जाती है, जिसमें महानगर के सभी नालों की सफाई एवं सड़क गड्ढा मुक्त कराए जाए, लाइन पार की लाइफ लाइन कहे जाने वाले कपूर कंपनी का पुल तत्काल खोला जाए, स्मार्ट सिटी में मंझोला थाना अंतर्गत गागन चौराहा पर लगने वाला साप्ताहिक बाजार तत्काल हटवाया जाए, शहर के बीचों बीच स्थित काशीपुर और बाजपुर प्राइवेट बस अड्डा तत्काल हटाया जाए। ज्ञापन देने वालों में जिला प्रमुख गुड्डू सैनी, अशोक, राकेश कुमार, सुरेश सिंह, मनोज कुमार ठाकुरदास, राजेश, विजय सिंह, ओम प्रकाश सैनी, तिलक सैनी, महिला विंग की जिला प्रमुख मंजू राठौर, बबीता सैनी, शिल्पी सिंह आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरहा, मंडल प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। आज जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया गया और मेयर विनोद अग्रवाल जी का पुतला फूंका गया है, क्या वजह रही है? आज शिवसैनिकों ने मेयर विनोद अग्रवाल का पुतला फूंका है। ज्ञात हो कि विगत एक वर्ष से स्मार्ट सिटी के नाम पर किसी भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। सभी सड़कों में गड्ढे हैं, पानी है, धूल मिट्टी भरी हुई है। शहरवासियों की हालत बहुत बुरी हो रही है, बद से बदतर होती जा रही है। बीमारियां हो रही हैं, धूल मिट्टी के कारण बीमारियां हो रही हैं। और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा है, यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं, मेयर हैं, ये सब लोग खा रहे हैं। इसी सबसे हमने विरोध प्रदर्शन के शिवसैनिकों ने मेयर अग्रवाल का पुतला फूंका है और आगे भी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर कपूर कंपनी का पुल का निर्माण नहीं हुआ, सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई और जो प्राइवेट बस अड्डा नहीं हटाए गए और जो महानगर में अवैध बाजार हैं, गांगन का बाजार है, हरतली का बाजार है, ये नहीं हटाए गए स्मार्ट सिटी के नाम पर, अवैध बाजार तत्काल हटवाए जाएं। स्मार्ट सिटी में किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध बाजार नहीं लगता है। जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। आज क्या मतलब होगा? आज पुतला नगर मेयर साहब का मतलब होगा है, जो रोडों के लेकर समस्या है, जो गड्ढा हो रखा है, गड्ढे हो रखे हैं पूरी रोडों पर, किसी भी रोड पे कोई काम नहीं हो रहा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये गड्ढे मुक्त, मतलब रोड को गड्ढा मुक्त किया जाए और मतलब स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाया जाए।